8 of the former Navy officials who were accused of espionage were freed by Qatar on 12th February in a big diplomatic win for India. Three cheers for India! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Did Modi magic work in releasing the Indian nationals? Notably, PM Modi met with Amir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani on the sidelines of COP28 summit in Dubai. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Sindhia on 12 February praised Prime Minister Narendra Modi after Qatar government freed jailed Navy veterans in Doha. उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं। चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई जहां एक-एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीयों के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीयों के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये 12वीं संस्करण है और आज 1 लाख रोजगार के अवसर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे और जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्ति पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी करते हैं। 10 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य था और उस लक्ष्य की पूर्ति भी जरूर इस कार्यक्रम के साथ पूर्ण होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.